हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन जय श्री राम जय श्री हनुमान दोस्तों। तो लगातार जो अपडेट निकल कर आ रही है सूर्य कुमार यादव को उनकी कैप्टनसी को लेकर और हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को लेकर कि क्यों सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी दी जा रही है और क्यों हार्दिक से छीनी जा रही है, इस पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। हम सभी को पता है कि गौतम गंभीर का ये बयान था, गौतम गंभीर की ये पसंद थी कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जाए, हार्दिक पांड्या से कप्तानी ले ली जाए। लेकिन यहाँ पर अब एक जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो साफ तौर पर आपको आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि यहाँ पर शायद बीसीसीआई गौतम गंभीर की ये बात मानने को तैयार नहीं है। और यही रीजन रहा है कि आज की जो टीम अनाउंसमेंट मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई है। आज टीम मीटिंग जो होनी थी बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होनी थी, जहाँ पर टीम जो श्रीलंका टूर के लिए जा रही है ना वो सिलेक्ट होनी थी, वो पोस्टपोन कर दी गई है। रीजन यही है कि हार्दिक पांड्या की और सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी को लेकर यानी अभी क्लियर नहीं है। बड़े लोग कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव का कप्तान बनना तय है, लेकिन ये जो मीटिंग पोस्टपोन हुई है ना ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। मतलब बहुत हद तक तो कंफर्म नहीं है, आप मान के चलिए कह सकते हैं कि आप 70% सूर्य कुमार यादव का कप्तान बनना संभव है या कप्तान बन सकते हैं, बट आप 100% नहीं कह सकते। जो पीटीआई ने कहा था कि ये तय है कि सूर्य कुमार यादव कप्तान बनेंगे, वहां पर ये जो मीटिंग पोस्टपोन हुई है आज, वो एक बहुत बड़ा झटका है सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के लिहाज से और गौतम गंभीर ने जो मांग रखी थी उस लिहाज से, क्योंकि शायद यहाँ पर बीसीसीआई भी कुछ और सोच विचार रहा है, गौतम गंभीर की सारी शर्तों को नहीं माना जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि टीम इंडिया की जो आज मीटिंग होनी थी जहाँ पर टीम निकल कर आनी थी कि कौन से प्लेयर होंगे, कौन कप्तान होगा, मतलब सारी चीजों पर पर्दा उठना था, बट वो पर्दा शायद आज नहीं उठेगा, वो मीटिंग जो है वो पोस्टपोन होती हुई नजर आ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। आप बताइए आप किस लिहाज से इस चीज को देखते हैं, कि आपको लगता है कि गौतम गंभीर की ये बात मान ली जाएगी, स्काई को ही कैप्टन बनाया जाएगा, या आपको लगता है हार्दिक पांड्या विल बी द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन T20 टीम, या फिर सूर्य कुमार यादव होंगे। मतलब क्या लगता है कि हार्दिक सूर्य, ये लगातार चर्चा बढ़ रही है, कभी हार्दिक पर अपडेट आती कभी सूर्य पर आती, तो आप लोगों के लिहाज से क्या लग रहा है कि कौन होगा, हार्दिक होंगे या सूर्य कुमार यादव होंगे? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।